अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू एंड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी स्टोरेज डिवाइसेस को एंड देन हम और ये डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली होती क्या है और किस परपज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये कैसे हमारे लिए डेटा सेविंग के लिए हेल्पफुल होती हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज के टॉपिक में आप लोगों के साथ जो डिस्कस होने वाली हैं तो वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जो चीज़ है वो आप मिस ना कर सकें यानी कि कोई ऐसा पॉइंट अगर आप वो मिस कर तो जिसकी वजह से फिर आपको बाकी की जो बात है जो पॉइंट है वो फिर समझ में ना आ सके तो बनिया रही है मेरे साथ आज की वीडियो में तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है स्टोरेज डिवाइसिस के ऊपर बिसमिल स्टोरेज डिवाइस द स्टोरेज डिवाइज़ज़ आर यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली स्टोरेज डिवाइज क्या हैं ये डेटा को परमानेंटली यानी कि मुश्किल तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं दीज हैव द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम ये जो डिवाइसिस हैं ठीक है ये क्या करती हैं बहुत बड़ी तादाद में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की सलाहियत रखती हैं सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसिस और हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क वो कह रहा है कि इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसकी हार्ड डिस्क की या स्टोरेज डिवाइसिस की वो क्या हैं वो है जो इसकी हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क है सी डी पी रूम एट्सट्रा सम्स यानी कि और स्टोरेज डिवाइसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजनज स्टोरेज डिवाइस जो हैं ये क्या करती हैं मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो रीज़न्स होते हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं द मेन मेमरी इज़ द टेम्प्रेरी मेमरी मेन मेमरी क्या है ये एक टेम्प्रेरी मेमरी है आर स्टोरेज डिवाइसिस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली और स्टोरेज डिवाइसिस क्या करती है डेटा को और प्रोग्राम को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कर लेती है द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो कहता है कंप्यूटर में वो क्या होती है वो लिमिटेड होती है यानी कि उसको उन्होंने क्या किया होता है एक यानी कि बिट्स यानी कि दी हुई होती है कि आप यहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं स्टोरेज में कर सकते हैं हा स्टोरेज डिवाइसिस इज़ रिक्वायर टू स्टोर आ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम स्टोरेज डिवाइसिस क्या करती हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं यानी कि स्टोर करने के लिए डेटा को बहुत बड़ी तादाद में द टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टोरेज डिवाइसिस आर रीडिंग एंड रॉइटिंग वह कहता है स्टोरेज डिवाइसिस के जो टू मोर फंक्शंस हैं वो क्या हैं इसमें रीडिंग रीडिंग एंड रॉइटिंग कर सकते हैं रीडिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन फ्राम स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग वो कहता है रीडिंग क्या है वो कहता है रीडिंग एक प्रोसेस है जो कि कॉपिंग डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को और इंफॉर्मेशन को स्टोरेज फॉर्म में क्या करता है मेमोरी में यानी कि अपने अंदर सेव कर लेता है डिफरेंट पर्पस की रीडिंग करने के लिए यानी कि अगर हम इसको बाद में रीड करना चाहें तो वो डेटा क्या हो जाएगा एज अ रीडिंग के लिए हमें मिल जाएगा तो वो कहता है वो भी स्टोरेज डिवाइसिस में सेव हो जाता है राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ कापिंग द डेटा एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा वर्क ठीक है जो कि डेटा के लिए इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी हदायत या फिर कोई ऐसा फंक्शंस या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम इस कॉल्ड राइटिंग टू क्या कहता है जो कि स्टोरेज मीडियम में जाती है तो वो क्या कहलाती है वो राइटिंग कहलाती है ठीक हो गया फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसिस डिफरेंट यानी कि जो स्टोरेज डिवाइसिस होती हैं मैग में आ जाता है मैग्नेटिक टैप मैग्नेटिक डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क ठीक है ये इसकी तीन टाइप्स है तो ये जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो थी वो स्टोरेज डिवाइसिस के ऊपर थी के स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली है क्या चीज़ एंड ये कि स्टोरेज डिवाइसेस कैसे वर्किंग करती हैं एंड ये कि स्टोरेज डिवाइसेस में हम अपने डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी टाइप्स एंड ये कि उनके कौन कौन सी टाइप्स हैं और एक कैसे बेटर है एक दूसरे की नस्बत तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो स्पेशली स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक क्लास में कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना रखिएगा खूब सारा ख्याल मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी अच्छी सी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ अब तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत अला बाद